वेलकम बैक। बहुत दिनों बाद में आई हूँ। आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था क्योंकि मैं अपने घर के ऑर्गेनाइजेशन में बिजी थी। हम होम डेकोर कर रहे हैं घर को, मतलब एक मेक ओवर दे रहे हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आए, तो बहुत जल्दी ये सब आपको ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। आज बहुत मेहनत से मैंने ऑर्गेनाइज की है मेरी ज्वेलरी, तो वो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। सो मैंने ज्वेलरी कहाँ से ली है, कौन सी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ, आप कैसे स्टोर कर सकते हो, आपको बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे मेरी इस वीडियो को देखने के बाद। तो वीडियो पसंद आ जाती है तो डोंट फॉरगेट टू, ये जो ग्रे कलर का थम्स अप है इसको ब्लू में कन्वर्ट कर देना, ये मैं आपको चैलेंज देती हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करने का नहीं किया होगा इसी तरह की और वीडियोज देखना चाहते हो तो चलो स्टार्ट करते हैं मेरा ज्वेलरी हॉल। तो जब मैं अपना स्टूडियो ओपन करती हूँ, सबसे पहले नजर मेरी जाती है मेरे ज्वेलरी हॉल पे। मैंने नीचे शेल्फ में डेकोरेट कर रखा है, ये पूरा मैंने मेकओवर किया है। इसकी वीडियो आप मेरे व्लॉग चैनल पे देखना, मैं अभी बिना शॉर्ट पे दिखा के नहीं पकाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, तो एक एक करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये ब्यूटीफुल सा ज्वेलरी होल्डर ऑनलाइन मंगाया था मैंने, और सारी ज्वेलरीज मोस्टली मेरी ऑनलाइन ही मंगाई हुई है। मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगता है, ये कुंदन की ज्वेलरी है। इसके साथ आपको मैचिंग ईयरिंग भी मिल जाते हैं, और ये कुंदन का वर्क है इसके ऊपर। किसी भी पार्टी शादी में जाना हो आपको, या कोई भी फेस्टिव सीजन हो, दिवाली भी आ रही है, तो आप ये कैरी कर सकते हो किसी भी ड्रेस के साथ, बहुत प्यारा लगेगा, मुझे तो अच्छा लगता है। देन आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे है मेरे ज्वेलरी बॉक्सेस। इसका पूरा डिटेल आपको ब्लॉग पे देखने को मिलेगा, कहाँ से लिया, कैसे लिया, पर बहुत क्यूट ज्वेलरी बॉक्सेस। ये वाले तो मैंने सरोजनी नगर से लिए थे, ये तो बहुत पुराने हैं। एंड देन ये वाला न्यू है मेरा। गाइस अकेले शूट कर रही हूँ क्योंकि बहुत लेट हो गया है, प्रिंस हो चुके हैं, सो प्लीज़ मैनेज कर लेना। ये बॉक्स है, इस एक बॉक्स के अंदर दो बॉक्स मिले थे मुझे, ये प्रिंस लेके आए थे मेरे लिए। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू दिस ब्यूटीफुल पीस। इसके अंदर मैंने अपनी हेयर एक्सेसरीज रखी हैं, सारे ऑर्गेनाइजर्स मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। ये हेयर पिंस है मेरी यहाँ पे। ओके आगे बढ़ते हैं। Then again I have this beautiful jewelry box के काफ़ी spacious है और antique सा look आता है इसको, आपके wardrobe में as a jewelry box बहुत अच्छा लगेगा। Let me show you. Okay. Wow, here it is. So ये प्यारे प्यारे earrings हैं, मुझे बहुत पसंद है ये, मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है ये। गाइस सारी ज्वेलरी के लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ क्लिक करके आप अपने लिए परचेज कर सकते हैं। इट्स ब्यूटीफुल। नेक्स्ट अगेन मैंने यहाँ कुछ डेकोरेटिव हेयर पिंस रखे हैं, ब्यूटीफुल हेयर पिंस, किसी भी जूड़े में पीछे लगाओ बहुत अच्छा काम करता है। हालांकि ये ज्वेलरी नहीं है बट ज्वेलरी भी आएंगे, इंतजार करो। सो ये मैंने मिरर रखा हुआ है इसके साथ, मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगा। ये पूरा व्लॉग पे आपको देखने को मिलेगा मैंने कहाँ से कैसे लिया है, इट्स ब्यूटीफुल। देन मैंने यहाँ पे ज्वेलरीज कुछ अपनी स्टोर कर रखी हैं। सबसे पहले मैं ये बॉक्स दिखाती हूँ आपको। अच्छा ये वाला बैग नहीं दिखाना मैंने आपको, ये बैग भी मैंने रखा है यहाँ पे, बहुत प्रिटी लग रहा है। तो ये पूरा क्लेटर बैग है और इसको आप हैंड में कैरी कर सकते हो। एंड देन मेरे पास ये ब्यूटीफुल सा ज्वेलरी बॉक्स है, ये देखिए, जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी, इजंट इट प्रिटी। तो बहुत अच्छा लगा, चारों तरफ ये ऐसे ही ग्लिटर लगे हुए हैं, अंदर वेलवेट का वर्क है। तो इसके अंदर भी मैंने ज्वेलरी बॉक्स रखा है, ये देखिए। एंड देन ये ज्वेलरी बॉक्स भी क्रॉफिट मार्केट से लिया था। अब चलो इसकी ज्वेलरी देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। सो हियर आई हैव दिस ब्यूटीफुल नेक पीस, ये नेक पीस भी मुझे बहुत प्यारा लगता है, सी प्रिटी नो। सो यहाँ पे आपको वाइट पर्ल्स विथ कुंदन वर्क आपको मिल जाता है, बहुत ही अच्छा एथनिक लुक देता है ये। सो चलो अब इसको रखते हैं। Now let me show you this drawer. Divya Agrawal, Deepa Dhar, thanks for watching my video. Guys, अगर आप चाहते हो आपका नाम फ्लैश करूँ तो hashtag be natural heart comment करना, और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एल्फ्स पपाया सनस्क्रीन दिखा रही हूँ, SPF 50 है इसके अंदर, हर स्किन टाइप को सूट करता है, सनबर्न के लिए है, सन डैमेज से आपको प्रोटेक्ट करता है, रिड्यूस करता है सन डैमेज को। तो ये आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, ऑयली स्किन वालों के लिए नहीं बल्कि ड्राई स्किन वालों के लिए मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ। यूवी रेज की जो भी हार्मफुल रेडिएशन
रेडिएशन है उससे आपके स्किन को प्रोटेक्ट करेगा, बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी स्किन में और काफ़ी अच्छा सन प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है। तो इन सब का लिंक मैं आपको दे दूंगी, आप ट्राई कर सकते हो अपने लिए। एंड देन मैं एल्स का वीट जर्म क्रीम दिखा रही हूँ, ये नाइट क्रीम है बेसिकली, रात को लगा के सो जाओ और सुबह आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। अगेन ड्राई स्किन वालों के लिए इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा क्रीमी और थिक है, तो बहुत अच्छे से आपकी स्किन को सॉफ्ट कर देगा। जितनी भी आपकी स्किन को नरिशमेंट और हाइड्रेशन की ज़रूरत है वो सब प्रोवाइड करेगा, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है एल्स के सारे क्रीम्स, ये वाला मेरा फेवरेट रहा है, तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और अगर आप चाहते हो आपका नाम फ्लैश कर दूँ तो जल्दी से लाइक कर दो इस वीडियो को, आगे बढ़ते हैं। दिस इज माई फेवरेट सेक्शन, तो एक एक करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इस ट्रे के अंदर, लेट मी शो यू द ट्रे फर्स्ट, इजंट इट गॉर्जियस। ओके सो इसके अंदर मैंने यहाँ पे रखा हुआ है ब्रेसलेट, दिस लुक्स सो प्रिटी, पिंक एंड रोज गोल्ड कलर में है, किसी भी वेस्टर्न ड्रेस के साथ बहुत अच्छा जाएगा। एंड देन सेम ब्रेसलेट से मैचिंग मेरे पास नेक पीस है, ओके दिस guys, then I have this headband. तो ये आप कोई सा भी हेयर स्टाइल बना करके इसको अपने बालों में लगा सकते हो। अब मैं एक हेयर स्टाइल की वीडियो बनाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी ये कैसे आप यूज़ कर सकते हो, बट ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड देन आई हैव वन मोर कुंदन नेक पीस, एंड देन यहाँ पे एक और नेक पीस है, ज़्यादा हैवी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा लाइट है और किसी भी फंक्शन में आप इसको भी कैरी कर सकते हो। सो मुझे अच्छा लगा ये भी। आपको सबसे अच्छा वाला कौन सा लग रहा है प्लीज़ मुझे बताना, हम मुझे पता चलेगा आपकी चॉइस कैसी है। आई होप आपको मेरा ज्वेलरी कलेक्शन, स्टोरेज एंड ऑर्गेनाइजेशन सब पसंद आए, बहुत मेहनत की है इसको डेकोरेट करने में गाइस। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देन यहाँ पे मेरे पास एक नेक पीस है जो वेस्टर्न ड्रेस के साथ बहुत अच्छी जाने वाली है, लुकिंग सो अमेजिंग। और इसके साथ में एक और है ये नेक पीस जो अगेन इंडियन वेस्टर्न आई थिंक दोनों में बहुत अच्छा जाएगा यार, है ना। एंड देन कुछ और इयररिंग्स हैं और रिंग्स, यहाँ पे रैंडम रिंग्स मैंने रखे हुए हैं, आपको बहुत अच्छे अच्छे रिंग्स का लिंक दे दूंगी, आप वहाँ क्लिक करके चेक कर लेना। एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल से इयररिंग्स हैं, बहुत सारे कलर्स में आते हैं बट मुझे ये कलर्स पसंद आए थे, पिंक, ब्लू, ब्लैक, दीज आर अमेजिंग, ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। ये वाली मेरी फेवरेट ज्वेलरी है, इसके साथ इयररिंग्स नहीं आए, नेक पीस ही था ये, बट इसके साथ और कुछ पहनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये सेक्शन कवर हो गया। एंड देन यहाँ पे कुछ पार्टी वेयर हैवी ज्वेलरी रखी है मैंने, नेक पीस वगैरह, ये भी ट्राई कर सकते हो। देन यहाँ पे मेरे पास कुछ और स्टोरेज बॉक्सेस हैं, सो इसके अंदर मैंने अपने कुछ इयररिंग स्टोर कर रखे हैं। एक मैंने रैंडम दुकान से लिया था तो इसका लिंक तो नहीं दे पाऊंगी, तो ज़्यादा नहीं दिखाती मैं आपको। ओके ये स्टोरेज बॉक्सेस अच्छे हैं ना टूरिस्ट स्टोर करने के लिए। ये नेक पीस के साथ आया था, लिंक दे दूंगी आप चेक कर लेना, दिवाली पे पहना था मैंने इसको, बस कुंदन में ज़्यादा आपको मिल जाएगा ये देखिए। सो ये कुंदन की इयररिंग है। देन आई हैव मोर कुंदन इयररिंग्स, सम मोर कुंदन इयररिंग्स एंड सम मोर कुंदन इयररिंग्स, और ये सबके साथ मांग टीका भी है। जितने भी सेट लोगे ना आप इस तरीके के, आपको इन सेट के साथ इयररिंग्स और मांग टीका सब मिलेगा, और कलर्स वैरायटीज के ऑप्शंस भी हैं इसमें। ये मैंने अपनी एक वीडियो में पहना था, ब्राइडल मेकअप जब किया था तो बहुत अच्छा लगा था, मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे। लुक एट दिस ब्यूटीफुल इयररिंग, झुमके, ये झुमके भी बहुत पसंद है। यू कैन ऑल्सो ट्राई इयररिंग्स लाइक दिस, बहुत सारे शेड्स मिल जाएंगे आपको। चलो इसको बंद करते हैं। देखिए मैंने लोकल शॉप से लिया था, दिस इज द बेस्ट थिंग आई हैव एवर हैड इन माय ज्वेलरी कलेक्शन। सो दिस इज, मतलब ये ज्वेलरी तो नहीं बोलेंगे बट हाँ गहना ही है यार, बालों पे लगाने के लिए क्लिप्स हैं। देन यहाँ पे मेरे पास और नेक पीस है, मुझे ये भी बहुत अच्छा लगता है, शुड गो फॉर दिस गर्ल्स।
देन आई हैव दिस रेड रिंग एंड इयर रिंग, दोनों ही मैचिंग मैचिंग है। इसके साथ आपको नेक पीस पहनने की जरूरत नहीं है, इतना ही काफी है। इसका कलर मुझे कितना ज्यादा शाइन कर रहा है ना, लुक एट द शाइन। सो दैट्स हाउ इट लुक्स पर्पल। जी ये वाले ईयरिंग्स भी बहुत पसंद है, ये किसी भी ड्रेस के साथ, किसी भी सूट एथनिक वेयर के साथ चले जाते हैं क्योंकि इसके अंदर सारे कलर्स हैं। सो ये था मेरा दूसरा बॉक्स। सो इस ड्रॉअर में मैं अपनी ज्वेलरी कुछ ऐसे रखती हूँ, एक एक करके आपको दिखाती हूँ। तो ये मोस्टली रेड कलेक्शन आपको ज़्यादा मिलेगा क्योंकि पार्टीज में रेड में ज़्यादा पहनती हूँ। सो इसके साथ आपको ईयरिंग और नेक पीस मिलेगा। आई थिंक मांगटिका भी था, अभी मुझे याद नहीं मैंने कहाँ रख दिया। कुंदन और बीड्स का काम है। एंड देन अगेन रेड और कुंदन के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, काफ़ी सारे वराइटीज हैं मेरे पास। ये देखिए सेम कुंदन एंड रेड बीड्स, ये ग्रीन में है। इसका भी डिज़ाइन बहुत प्यारा है ना, सी बहुत अच्छा डिज़ाइन है इसका। एंड लुक एट दिस, दिस इज सो गॉर्जियस, मतलब इसकी जितनी तारीफ करूँ मैं उतना कम। कैन यू सी दिस इज सो प्रिटी। देन नेक्स्ट जो मेरे पास है ज्वेलरी, इसके अंदर ना आपको बहुत सारे कलर्स नज़र आ रहे होंगे। देखो जब इस पर लाइट पड़ती है ना तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स नज़र आते हैं और इसका पैटर्न एकदम डिफरेंट है। ये ब्राइडल टाइप में आ जाएगा, तो अगर अफोर्डेबल ब्राइडल ज्वेलरी अगर आप चाहते हो तो ये आप ट्राई कर सकते हो। मांगटीका, ईयरिंग सब आपको मिल जाएगा। एंड देन यहाँ पे और भी कलर्स के साथ आपको ऑप्शन मिल जाएगा। देन मेरे पास पिंक में भी है, तो मोस्टली सारे पार्टी वेयर कलर्स हैं मेरे पास यहाँ पे। तो ये है मेरी ब्राइडल पार्टी वेयर ज्वेलरीज। और ये ज्वेलरी अभी मैंने नहीं ली है, ये ज्वेलरी का कलेक्शन मैंने 2 साल में कंप्लीट किया है, ठीक है। सबके शाइन वैसे ही बरकरार है, पहले भी मैंने इनका हॉल दिखाया था अगर आपको याद हो तो। शाइन सबकी वैसी ही है, क्वालिटी अच्छी है, टूटी फूटी नहीं है, तो अफोर्डेबल प्राइस पे आपको अच्छी क्वालिटी की ज्वेलरी मिल जाती है। तो आप ट्राई कर सकते हो ये। एंड देन ओके, ये मेरा फेवरेट सेक्शन, ये मैंने बैंगल्स रखे हैं इसके अंदर। ये एज अ बैग भी यूज़ कर सकते हो, एज अ बैंगल बैग भी यूज़ कर सकते हो। एंड देन पीछे मैंने बैंगल्स रखने के लिए मंगाया था, मैंने अपना चूड़ा रखा है, चूड़ियाँ रखी हैं। एंड देन यहाँ पे मैंने अपने हेयर क्लिप्स रखी हैं। हाँ मेरे बहुत सारे ईयरिंग्स हैं, ये ऑर्गेनाइजर भी मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पे एक बोर्ड सी बनी है, मैं बाहर निकाल के दिखाती हूँ आपको। सो यहाँ मैंने इस तरीके से अपने ईयरिंग्स को स्टोर किया हुआ है। आप रोटेट करोगे डिफरेंट डिफरेंट ईयरिंग्स देख सकते हो। ये ऐसे इतने बड़े मैं पहनती नहीं हूँ, बट शूट के टाइम कभी कभी लगता है कि इस ड्रेस के साथ अच्छा लग रहा है तो मैं ट्राई कर लेती हूँ। मैं इन सबका एक बार ब्यूटी शॉट दिखा देती हूँ आपको। सो इसके अंदर मैं अपने सारे ईयरिंग्स डिस्प्ले करके रखती हूँ, यूज़ करने के लिए काफ़ी इजी रहता है, नहीं तो डिब्बों में पड़े रहते हैं और सालों साल बस पड़े ही रह जाते हैं। तो ये ईयरिंग्स और मांगटीका दोनों इसके साथ है, पार्टी वेयर के लिए बहुत ही फैंटास्टिक ऑप्शन है ये। सो गाइज ये थी मेरी ज्वेलरी हॉल कलेक्शन एंड स्टोरेज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपको पता है आपको इस वीडियो को लाइक करना है। मेरे माइंड में बजट में होम डेकोर के आइडियाज़ बहुत सारे आ रहे हैं, मैं सोच रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ क्या आप देखना चाहोगे, वी नेचुरल पे या सीधा ब्लॉग पे डाल दूँ। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मिस्टर एंड मिसेस फ्रेंड्स एंड वी नेचुरल। बाय बाय।